हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये वीडियो किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 12th फिजिक्स में 90% प्लस नंबर कैसे लाएं। देखिए, अगर आप 12th में हैं तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स में हम किस प्रकार से पढ़ें ताकि हम 95 नंबर से भी ज्यादा मार्क ला सकें। तो अगर आपको भी 12th फिजिक्स से अच्छी तैयारी करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें 2022 बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी चीजें कब पढ़नी है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, आपको किस प्रकार से फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एकदम मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा ताकि अगर आप 12th में तो आपको पूरी तरह से समझ में आ सके कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क ला सकें। तो वीडियो को कर दीजिए अगर लाइक, और अगर आपने इससे पहले केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश इन सभी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो देखिए, फिजिक्स आपका है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के कुछ पार्ट्स हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कितने चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो फिजिक्स जो है वो मेनली आपके कितने चीजों से मिलकर बना है, यहाँ पर चार चीजें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। नंबर वन ये, नंबर टू ये, नंबर थ्री ये, और नंबर फोर ये। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो है थ्योरी पोर्शन आता है, जिसमें आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। जैसे आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में आ जाएं तो आपको विद्युत आवेश के बारे में, आवेश क्या है, कूलाम का नियम, ये सब थ्योरी के अंतर्गत आती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वो है फॉर्मूला का। फॉर्मूला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है फिजिक्स में। उसके बाद में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आपको इसमें दिए जाते हैं एग्जाम में। और लास्ट में हमारा आता है डेरिवेशंस, डेरिवेशंस। ठीक है, तो इतने चीजों से मिलकर हमारा फिजिक्स तैयार होता है, और यही चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। थ्योरी में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कूलाम का नियम, उसके बाद में विद्युत आवेश क्या है, विद्युत विभव क्या है, ये सब थ्योरी में आ गया। धारिता क्या है, फॉर्मूला में आपको बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, विद्युत धारिता का फॉर्मूला, कूलाम के नियम का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी करने हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से आपको किसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो एक एक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी की। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है थ्योरी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, तो देखिए, आपको करना क्या है, सभी चैप्टर्स के थ्योरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लगातार पढ़ते रहें। अब देखिए, थ्योरी में अगर बात किया जाए, जैसे आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है तो उसमें विद्युत आवेश क्या है, कूलाम का नियम क्या है, विद्युत विभव धारिता है, उसमें विभव क्या है, धारिता क्या है। ठीक है, तो ये सब थ्योरी के अंतर्गत आती हैं। तो सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उन सबको आप लोगों को लगातार पढ़ते रहना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो थ्योरी में आपका क्या आएगा, जैसे जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो भी थ्योरी है वो आपके थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका एक शॉर्ट नोट बनाना है, एक कॉपी बनाना है उसका अलग से। ठीक है, और उसमें जितनी चीजें आपको पता है उसमें लिखना है। ठीक है, इससे होगा क्या, जितने ज्यादा टॉपिक्स आप इसमें लिखेंगे, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं या ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो अगर आप लोग एक नोट बना लेंगे उसका, तो अब जब चाहेंगे आप अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, थ्योरी भी पढ़ना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए, इसमें आपको क्या करना है, हर चैप्टर में आपके थ्योरी के साथ साथ फॉर्मूले भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, क्योंकि फिजिक्स का हर चैप्टर जो है, सभी चैप्टर में न्यूमेरिकल है। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के लिए आप लोग क्या कीजिए, आपके जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, और आपका जो है विद्युत धारा चैप्टर। ठीक है, उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा, इन सभी से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला को याद कर दीजिए, आप लोग सभी चैप्टर के फॉर्मूला को पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले का आपका न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। तो जितना ज्यादा आप लोग फॉर्मूला
पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको अगर आपको सॉल्व करके आना है तो ये चीज़ आपको याद करना होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग सर्च करेंगे तो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे जिस चैप्टर का आप लोग चाहिए आप लोग जाकर देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, तीसरा टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल लगाना कैसे वो समझिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए सभी चैप्टर के फॉर्मूला याद करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज़ याद है फॉर्मूला, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको डेली सॉल्व करना है। डेली आप लोग जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उतना न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कीजिए। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, उनको सॉल्व करते रहना है। अगर आप डेली दो दो तीन तीन पाँच पाँच न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप लोग एक महीने में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है वो आप लोग बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपको फॉर्मूला याद रहेगा आप उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप लोग सॉल्व करते रहिए और मैं भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। फिजिक्स का एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, चौथा टॉपिक, वो है डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन। अब देखिए डेरिवेशंस क्या होते हैं, डेरिवेशंस आपको बताऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को सॉल्व करते रहें। जितने भी चैप्टर आपके हैं जिसमें भी डेरिवेशंस है आप उनको सॉल्व कर लें। मेन चैप्टर्स जो है जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा और गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये जो चार के स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं इन चार चैप्टर के डेरिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक दो तीन चार जो आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 इनके तो डेरिवेशन आपको करके ही जाने हैं, एक भी डेरिवेशन आपको मिस नहीं करना है। जैसे आपका हो गया गॉस का अनुप्रयोग जो है उसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, गॉस का प्रमेय एक डेरिवेशन है। ठीक है, विद्युत विभव में आपका है डेरिवेशन अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति, तो ये सभी डेरिवेशन आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आप रेगुलर सॉल्व करते रहे। देखिए डेरिवेशन आप होता क्या है, डेरिवेशन आपका जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जितने भी डेरिवेशंस आपके चैप्टर्स में हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में जो कम इंपॉर्टेंट है उसको भी सॉल्व कीजिए, यानी कि डेरिवेशंस आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आप एक डेरिवेशन इस जाकर छोड़ाते हैं एग्जाम में तो आपका 5 नंबर वहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, नहीं पा पाएंगे तो आपका जो 95+ वाला सपना है वो टूट जाएगा। तो जितना डेरिवेशन आप सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कीजिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपका बोनस टिप्स है। देखिए सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगातार पढ़ते रहें और शॉर्ट नोट भी बना लें। देखिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते रहना। देखिए आपने थ्योरी पढ़ ली, टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ा, न्यूमेरिकल भी लगा लिए, डेरिवेशन भी आपने कर लिया, लेकिन आप अपना स्टडी मटेरियल उठाइए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको आप लोग पढ़िए। ठीक है, समझ में आएगा। तो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगातार पढ़ते रहें। जैसे आपका डेरिवेशन है इसमें आपका अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, तो ये सब डेरिवेशंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको सबसे पहले आप लोग कीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पहले कीजिए। ठीक है, तो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगातार पढ़ते हैं और शॉर्ट नोट भी बना ले, एक छोटा सा नोट बना ले, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिख लें और जब भी आपका मन करे आप उसको उठाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और आपका शॉर्ट नोट भी बना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बिना नोट के आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट टिप हमारा है, देखिए इसको भी करना बहुत ही जरूरी है। देखिए जो मॉडल पेपर आया है, नया वाला जो मॉडल पेपर है उसको आप लोग रेगुलर सॉल्व करते रहें। आप लोग देखिए कि किस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है, इस मॉडल पेपर में मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपनी योग्यता उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर आपके आए थे बोर्ड एग्जाम के, उनको आप लोगों को उठाना है
और इन सभी को सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 2021 का पेपर ही नहीं हुआ, तो 2020 का तो हुआ, 19 का तो हुआ, तो उसका आप लोग पेपर ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बाद में, तब आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, तो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते रहें। जितना ज़्यादा आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अनसॉल्व पेपर भी जल्दी आपके मार्केट में आ जाएगा, तो आप लोग अनसाल पेपर भी ले आइएगा और उसको भी रेगुलर सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप तो आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग फिजिक्स में 95% मार्क अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें आपने बताया क्या, आपने सिर्फ ये बताया कि आप लोग ये पढ़िए वो पढ़िए, लेकिन जो कुछ भी मैंने बताया वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। आप लोग जितना थ्योरी पढ़ेंगे, जितना फॉर्मूला याद करेंगे, उतना ही अच्छा आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको आप लोग सॉल्व कीजिए, एक क्रम से पढ़ाई कीजिए, तभी आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक टिप्स अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह और भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो सर्च करके आप लोग देख सकते हैं।